आज जहां पत्रकारिता को सभी लोग दागदार बताते हैं और बताते हैं कि पत्रकारिता का वो काम नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था, या पत्रकारिता स्पष्टीकरण रूप से अपनी पत्रकारिता नहीं कर रही है, पत्रकारिता को बताते हैं कि गोदी मीडिया बन गई है और गोदी मीडिया बिल्कुल भी कोई न्यूज़ ऐसी नहीं दिखाता है जो कि समाज के हित में हो, लेकिन वहीं पर एक ऐसा नाम है जिसपे सभी लोग बहुत गर्व से कहते हैं और वो नाम है रविश कुमार का। जी हाँ, NDTV के रविश कुमार ने अपनी शुरुआत करी थी NDTV के ही न्यूज चैनल से और वहाँ पे वो काम किया करते थे, जो चिट्ठियां आती थी उनको एकत्रित करने का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने वहां से अपने रुख को बदला और रुख को बदलने के बाद उन्होंने पत्रकारिता जगत के अंदर अपना नाम बनाया और वो नाम ऐसा बनाया कि आज पूरे देश दुनिया के अंदर सर चढ़कर बोल रहा है। अपनी पत्रकारिता को एक तरफ और एक रंग में दिखाने वाले सिर्फ NDTV के रविश कुमार आज वो पूरे देश दुनिया के सरताज बन गए हैं। अपनी अलग पहचान बनाने वाले जनता की आवाज़ का पर्याय श्री रविश कुमार जी को 2019 का रेमन मैक्सेस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैक्सेस की याद में दिया जाता है। पुरस्कार मिलने पर SM न्यूज़ के संस्थापक डायरेक्टर एवं उनके समस्त स्टाफ की ओर से उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए बधाई देता है। इनके साथ ही साथ NDTV के डायरेक्टर श्री प्रणय राय को भी, जिन्होंने श्री रविश कुमार को प्रोत्साहित किया, क्योंकि आज देश में दुनिया में जरूरत है निष्पक्ष रूप से आवाज को उठाने के लिए निष्पक्ष पत्रकार की, और वही हैं श्री रविश कुमार जी, उनको ढेर सारी बधाइयां। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।